আৰু ইয়াৰে লগতে মই সকলোলৈকে ৰঙালী বিহুৰ আৰু অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ বহুত 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 শুভেচ্ছা জাচিছো, সৰুলৈ মৰম আৰু ডাঙৰলৈ শ্ৰদ্ধা জাচিছো আৰু কামনা কৰিছো যে আগন্তুক বছৰটো যাতে সকলোৰে জীৱনত সুখ শান্তি আৰু সমৃদ্ধিৰে ভৰি পৰে। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ऐसे तैयार होकर बैठी हूँ क्योंकि आज है हमारे लिए बहुत खास दिन। बहुत सारे लोग मुझे अपने कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं कि मैं कहाँ से हूँ। मैं हूँ आसाम से और आज हमारे लिए बहुत खास दिन है क्योंकि आज है बिहू। हम लोगों के लिए एक ही बस एक मेन फेस्टिवल है आसाम में एंड विच इज बिहू, जिसे हम साल में तीन बार सेलिब्रेट करते हैं। एक है भोगाली बिहू जो कि हम जनवरी मंथ में सेलिब्रेट करते हैं, सेकेंड इज रोंगाली बिहू जो कि आज है एंड द थर्ड इज काटी बिहू। रोंगाली बिहू मेरा फेवरेट है बिकॉज इट इज द फेस्टिवल ऑफ जॉय। ऑल्सो दिस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू ईयर अकॉर्डिंग टू एसमिस कैलेंडर। सो आज से हमारा नया साल शुरू हो रहा है फॉर ऑल द एसमिस पीपल और इसलिए हम बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं और लोग बहुत नाचते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। एक दूसरे के घर भी जाके हम बिहू नाचते हैं। और इस दिन हम सभी आसाम के लोग गाय की पूजा करते हैं क्योंकि आसाम के अधिकतर लोगों का ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर ही है एंड आज भी हम ट्रेडिशनल मेथड ही फॉलो करते हैं ज्यादातर, जो कि है काउ के थ्रू प्लाउइंग करना। गाय ही हमें पूरे साल खेती बाड़ी में हेल्प करते हैं तो आज के दिन हम उनकी पूजा करते हैं। और पूजा हम कैसे करते हैं, आज के दिन हम गाय को टर्मरिक पेस्ट और ब्लैक ग्रम पेस्ट लगाते हैं, इनमें आयुर्वेदिक गुण है। तो अगर हम आज के दिन गाय को ये अप्लाई करते हैं तो उनका पूरा साल कोई स्किन प्रॉब्लम नहीं होगा और एक बहुत हेल्दी लाइफ मिलेगी उनको। तो हम उन पे ये अप्लाई करते हैं, उसके बाद हम गाय को तालाब ले जाते हैं, उनको बहुत अच्छे से नहलाते हैं और फिर उनको खेती में छोड़ देते हैं थोड़ी देर टहलने के लिए। उसके बाद जब शाम को यही गाय घर वापस आती है तब हम राइस से उनके लिए पीठा बोल के एक पकवान बनाते हैं और उनको खिलाते हैं। ऑल्सो इन सबके बीच एक बहुत मजेदार रिचुअल है हमें जो हम करते हैं और वो ये है कि हम लौकी और बैंगन का पीसेस बनाते हैं छोटा छोटा, फिर उनको एक स्टैक कर देते हैं और फिर वो गाय को हम देते हैं और बोलते हैं एक बहुत ट्रेडिशनल लाइन जो कि है लाओ खा बैंगना खा बसरे बसरे बाढ़ी जा मार खोरु बापे खोरु टॉय हो भी बर गोरु। इसका मतलब ये है कि लौकी खाओ बैंगन खाओ और साल भर तुम बड़े होते जाओ, तुम्हारी मम्मी भी छोटी है तुम्हारे पापा भी छोटे हैं लेकिन तुम मेरे बेबी गाय तुम बड़ा बनो, उसका मतलब यही है। ये देखिए मैंने उड़द की दाल को पीस लिया है जिसे हम एसमी से मांग बोलते हैं और दूसरी तरफ मैंने हल्दी पीस लिया है। कल था गोरू बिहू और कल का दिन हमने आसाम से दूर रह के भी कैसे यहाँ पे सेलिब्रेट किया उसका एक छोटा सा झलक मैं आपको दिखाती हूँ। आज गोरू बिहू है यानी गाय का बिहू। आज का दिन बहुत खास होता है, अगर मैं आसाम में होती तो आज हम गाय को हल्दी से नहलाते हैं फिर उनके अच्छे से पूजा करते हैं, लेकिन क्योंकि आज मैं अहमदाबाद में हूँ हमारे पास ये सब करना पॉसिबल तो नहीं होगा क्योंकि गाय ही नहीं है खुद की, लेकिन घर के नीचे कुछ गाय है हम उन्हीं के पास अभी जाएंगे और हमने जो पीठा बनाया है राइस केक्स वो सब उनको खिला के ऐसे ही हम आज उनकी पूजा करेंगे। ये हमने कुछ पीठा और रोटी बनाए हैं गाय को देने के लिए, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये है पीठा और ये है रोटी। गाय को खिला रहे हम। लाओ खा बेंगना खा बसरे बसरे बाढ़ी जा मार खोरू बापे खोरू टॉय हो भी बर गोरु। तो हल्दी तो नहीं लगा पाए लेकिन हमसे जितना हो पाया हमने उनको पीठा और रोटी ही खिलाया और ये हमारा तरीका था उनकी पूजा करने का।
बिहू के दिन हम क्या क्या खाते हैं वो मैं अभी पहले आपको दिखाती हूँ। ये है लाड़ू पीठा जो हमने घर में ही बनाया है, और ये सीरा दही यानी इसमें चीरा है, दही है और गुड़ है। ये मैंडेट है, हर कोई आज के दिन खाता है। और ये प्रसाद है जो हम पहले भगवान जी को भोग लगाते हैं और उसके बाद ही हर कोई खाता है। खाएंगे वैसे ही आज का दिन मानव बिहू है यानी इंसानों का बिहू, तो आज यही चीज हम अपने स्किन में लगाएंगे। और एसमिस कल्चर के अकॉर्डिंग अगर हम ये साल के पहले दिन अपनी स्किन में लगाते हैं वैसे गाय की स्किन में लगाए तो पूरे साल हमें कोई किसी तरह का स्किन प्रॉब्लम नहीं होगा। ये हम एकदम सुबह सुबह करते हैं नहाने से पहले ताकि ये लगाने के बाद हम नहाने जा सके। एंड यू कैन सी मेरे हाथ अभी भी पीले पीले होके रखे हैं। आज के दिन हर कोई एक दूसरे को गामोसा गिफ्ट करता है जो कि हम एसमिस लोगों का प्राइड है। इट इज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ऑल वी एसमिस पीपल। तो कुछ और नहीं तो गामोसा तो हर किसी के गले में आज के दिन आपको दिखाई ही देगा, चाहे कोई नाच रहा है, कोई खा रहा है, लेकिन जो भी हो आप किसी से भी आज के दिन मिलते हो तो आपको उनके गले में ये गामोसा देखना मैंडेट है। आज के दिन तो हम बहुत मस्ती करते हैं, हम बहुत सारे पकवान बनाते हैं, भिन्न भिन्न तरह के पकवान बनते हैं। ऑलमोस्ट 15-16 टाइप्स ऑफ डेलिकेसीज आर बीइंग मेड। दीज आर द लड्डूस एंड दीज आर द पिठास। मैंने जो ये ड्रेस पहना है वो हमारे एसमिस लोगों का ट्रेडिशनल ड्रेस है जिसे हम चादर मेखला बोलते हैं। मैं दिखाती हूँ कि कैसा दिखता है ये। ये देखने में तो साड़ी जैसा लगता है लेकिन साड़ी है नहीं, दिस इज डिफरेंट। इसे बोलते हैं चादर एंड इसे बोलते हैं मेखला। ट्रेडिशनल एक्चुअली मुगा मेखला चादर होता है विद अ रेड ब्लाउज, और उसके साथ लड़कियां ट्रेडिशनल ऑर्नामेंट्स भी पहनती है जैसे कि ढोल बिरी, गाम खाड़ू, ये सब बहुत सारे सुंदर सुंदर ऑर्नामेंट्स भी है हमारे। और एक्चुअली मैं अभी अहमदाबाद में हूँ, मैं आसाम में नहीं हूँ, तो मेरे पास तो नहीं है, मेरे बस एक ही लाई थी, ये सोची कभी अगर जरूरत पड़ गई तो, लेकिन लकीली एक तो लाई और इसलिए मैंने बस ये ग्रीन है मेरे पास तो वही पहना है, और एक सिंपल सा चेन पहना है टू गो विद द लुक। लेकिन जब आप टिपिकल वो लुक देती है ना लड़कियां तो बहुत सुंदर लगती है आज के दिन। और लड़के भी अपने ट्रेडिशनल ड्रेस पहनती है जो कि सूट और धोती है, और फिर हर कोई एक दूसरे के घर हुसोरी बोलते हैं, ग्रुप बना के बिहू गाने जाते हैं जिसे हम हुसोरी बोलते हैं। और ये हुसोरी कैसा होता है उसका एक छोटा सा झलक मैं अभी आपको दिखाती हूँ। एक घर मानो गोल गोल सराए धन खाले, सराए धन खाले, पैसा दीप लागे पुली दुवर मारी ढोले, दुवर मारी ढोले। With this, I'll end this today's vlog of mine. Thank you so much for watching this vlog, and once again wishing you all a very happy and prosperous Rongali Bihu. Please stay at home, take care, and bye-bye.